एक ऐसा भारतीय राजा जो इतना क्रूर था कि उसके अत्याचारों का भय चहुंओर था, जिसने अपने सत्ता के विस्तार के लिए रक्त का मार्ग चुना, परंतु युद्ध की विभीषिका ने उसका भी हृदय परिवर्तन कर दिया और उसने धर्म और शांति का मार्ग पकड़ लिया। आप भी इसी शांति के मार्ग को क्यों नहीं चुन लेते? ये सीख थी स्टालिन को, और सीख देने वाले थे एक ऐसे भारतीय शिक्षक और दार्शनिक जो एक बार चेयरमैन माओ से मिले तो माओ के गाल थपथपा दिए। इससे पहले माओ अपने गुस्से का इजहार कर पाते, उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय परेशान मत होइए, मैंने यही स्टालिन और पोप के साथ भी किया है। हम बात कर रहे हैं देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिन्होंने अपने जन्मदिन को अपने नाम की जगह शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का विचार दिया, जिसके चलते आज दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब के मद्रास और आज के चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश से लगी सीमा के पास तिरुतन्नी गांव में 5 सितंबर 1888 को जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने पिता सर्वपल्ली वीरा समियाह के 6 बच्चों में दूसरे नंबर की संतान थे। बड़ा परिवार होने के कारण राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह बचपन से ही मेधावी थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने पूरे शैक्षणिक जीवन में राधाकृष्णन को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलती रही थी। अपने विद्यार्थी जीवन के सफर के दौरान 1906 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की और प्रोफेसर बन गए। वे 1936 से 52 तक इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों और नैतिकता के प्रोफेसर और 1939 से 48 तक भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे। राधाकृष्णन एक शिक्षक होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वह वर्ष 1949 से 1952 तक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के राजदूत रहे और वर्ष 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें वर्ष 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कई महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कारों से सुसज्जित राधाकृष्णन को 1931 में नाइट की उपाधि दी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका महत्व समाप्त हो गया और वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाने जाने लगे। उनकी महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए उन्हें 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कई पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन एंड सोसाइटी, अ सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी और स्पिरिट ऑफ रिलीजन जैसी कई पुस्तकें शामिल हैं। कई वर्षों तक अपने दर्शन और ज्ञान से बच्चों के जीवन को जीवंत करने वाला यह सूर्य 17 अप्रैल 1975 को हमेशा के लिए अस्त हो गया। लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान रूपी प्रकाश उनके जाने के बाद आज भी हमारे जीवन के मूल्यों को रोशन कर रहा है। ऐसे महान शिक्षक को हम उनके जन्मदिवस पर शत शत नमन करते हैं।